हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन WLAN वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन फंडामेंटल के बारे में। वेव्स के चार मेन पैरामीटर होते हैं जिनको हम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द पावर, फोर्स और पीक ऑफ अ वेव। किसी भी वेव की जो एक पावर होती है या उसको हम पीक बोल देते हैं या फिर उसको एक फोर्स का नाम दे देते हैं। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। अगर आप अपने म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और एक मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम उसको वेव के रूप में डिज़ाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी ऑडियो वेव हो गई और इसका पीक जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर आप उसी को कम वॉल्यूम पे चलाते हैं, उसी वेव को कम वॉल्यूम पे चलाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर ये 10 था, अब ये 5 हो गया। तो जैसे ही हम गाने की वॉल्यूम या गाने की पावर को बढ़ाते हैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड किसी वेव का। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ क्या होती है? चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। अगर ये वेव आगे तक दूसरा साइकिल भी कंप्लीट करती है तो यहां से लेकर दूसरे वेव की पीक तक अगर हम ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये उस वेव की लेंथ को बताता है जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर टू पीक्स ऑन बैक टू बैक वेव्स इज वेवलेंथ। दो सिमिलर पीक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। अब वेवलेंथ जो होती है वो मैटर करती है डिस्टेंस पे। जिस वेव की लेंथ बड़ी होगी या जिस वेव की लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर जिस वेव की लेंथ कम होगी तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। एक सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सपोज एक सेकंड आपका होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 सेकंड। और उस सेकंड में अगर आपके एक वेव बनती है तो मैं उसको 1 हर्ट्ज बोल दूंगा। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी या पीक्स आप यहाँ पे देखेंगे, पीक्स इतने 1, 2, 3 और ये 4। अगर ये 4 पीक्स आपको दिखती हैं तो ये 4 हर्ट्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको मैं बहुत सारी वेव्स यहाँ पे बना दूँ, लेट्स सपोज कि आप 500 वेव्स एक सेकंड में आती हैं तो मैं उसको 500 हर्ट्ज बोल देता हूँ। जब ये वैल्यू और आगे तक जाती है, ये 1000 आ जाती है हर्ट्ज, तो मैं इसको 1 किलो हर्ट्ज बोल देता हूँ, एंड सो ऑन। सो वायरलेस में वाईफाई कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर हम जो मेन बैंड यूज करते हैं, मेन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। मतलब एक सेकंड में 5 गीगा सिग्नल्स वो जनरेट करते हैं उनके जो ट्रांसमीटर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेज की। फेज क्या होता है? फेज जो होता है वो रिलेशनशिप होता है दो वेव्स के बीच में जो सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रही होती हैं। चलिए समझते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं हम ये, जिसमें कि मैं दो वेव्स ड्रॉ करता हूँ। सो फेज एक टर्म होती है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इन फेज, एक को बोलते हैं आउट ऑफ फेज। सो कोई भी वेव या तो इन फेज हो सकती है या आउट ऑफ फेज हो सकती हैं। अगर दो वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक जैसा काम कर रही हैं, उसमें उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो हम उनको इन फेज बोल देते हैं। जैसे कि अगर आप इस वेव को, इस पीक को देख लीजिए, सेम लोकेशन पे सेम पीक है इन दोनों की, ठीक है, और ये सेम फेज होंगी या इन फेज होंगी। अगर मैं ये वाला पीक लेता हूँ, ये देखिए दोनों एक ही लोकेशन पर एक जैसी वेव्स हैं तो उनको मैं इन फेज बोलता हूँ। अब अगर आप ये पॉइंट देखेंगे ये भी इन फेज होंगी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ ये दोनों सेम पॉइंट, तो
ये इन फेज होंगी। चलिए समझते हैं आउट ऑफ फेज किसको बोलते हैं। अगर एक वेव मैं यहां से शुरू करता हूं और दूसरी मैं यहां से शुरू कर देता हूं, तो ये जो वेव होंगी ये आउट ऑफ फेज होंगी, बिकॉज अगर मैं यहां से एक पॉइंट लूं तो मुझे नहीं पता इस वेव का दूसरा पॉइंट, ये या तो यहां बनेगा और ये एक ही एंगल पे नहीं आती है, और अगर मैं इसका एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर तो दूसरा पॉइंट यहां बनेगा, तो ये भी एक लीनियर एंगल पे नहीं आती है, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। तो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि वेव प्रोपोगेट कैसे करती हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन WLAN। थैंक यू।